नमस्कार मेरी प्यारी विद्यार्थियों, आज आपकी हिंदी के रीडर की बुक है जो इसका हम पार्ट नंबर 9 अपना भरोसा करने जा रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है बेटा। चलिए बढ़ते हैं। अपना भरोसा। कहानी एक ऐसे खरगोश की है जो मुसीबत के समय अपने मित्रों से सहायता मांगता है। मतलब ये जो कहानी अपना भरोसा, ये एक खरगोश के बारे में है जो मुसीबत के समय अपने मित्रों से, दोस्तों से मदद मांगता है। अंत में सबसे निराश होकर उसे अपनी टांगों पर ही भरोसा करना पड़ता है। अंत में मतलब लास्ट में वह सबसे निराश हो जाता है जब उसे कहीं मदद नहीं मिलती, तो फिर उसे अपनी टांगों पर भरोसा करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कहा भी गया है कि भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओके। और कहा भी यही गया है कि भगवान उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ओके। राजगीर की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। राजगीर की पहाड़ी है, उससे सटा हुआ बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ एक गाँव है अरई नाम का। ठीक है। उस गाँव में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। तलहटी मतलब जो पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा था, ठीक है, उसमें एक बिल बनाकर रहता था खरगोश। गाय एक ग्वाले की थी, वहां एक ग्वाला था उसकी गाय थी। घोड़ा गांव के बड़े किसान का था, गधा गांव के धोबी का था और बकरी एक मजदूर की थी। ओके। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। सभी इकट्ठे जाया करते थे वहां राजगीर के जंगलों में चरने के लिए। खरगोश बड़ा चंचल था। खरगोश जो था वो बहुत ज्यादा चंचल था, थोड़ा चतुर सा था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता, कभी वह मतलब शरारत करता था। नटखट सा तो था, तो कभी गाय की पीठ पर चढ़ जाता, कभी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था, घोड़े की जो पीठ थी उसको, वो तो उसका सिंहासन था, मतलब उसी के ऊपर वो बैठा रहता था। कभी कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा भी देता। कभी कभी वो क्या करता था कि गधे की पीठ को गुदगुदाता था और उसे हंसा देता था। और बकरी की सवारी तो सबसे आसान थी, क्योंकि बकरी तो छोटी सी होती है, तो उसकी सवारी तो उसे और भी आसान लगती थी। वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और झट से उतर जाता। वो पीठ छलांग मारकर इसके ऊपर चढ़ जाता और फिर उतर जाता। पांचों के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे, बड़े आराम से वो अपने दिन बिता रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताजा जंगली कुत्ता आ गया। अचानक से उस जंगल में क्या हुआ, एक मोटा सा कुत्ता, जंगली कुत्ता वहां आ गया। खरगोश के लिए अपने बिल से निकलना मुश्किल हो गया, कुत्ता हमेशा उसकी ताक में रहता। अब खरगोश के लिए तो बिल से निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कुत्ता हमेशा उसकी वेट में रहता था, कब वो निकले, कब वो उसका शिकार कर दे। खरगोश के न होने से चारों मित्र भी उदास रहने लगे, क्योंकि अब उसे उन्हें छेड़ने वाला कोई न था। अब खरगोश नहीं था तो अब देखिए, आप 5 फ्रेंड्स हो मान लो, ठीक है, आप फ्रेंड्स होते हो, ठीक है, तो अगर आपका एक फ्रेंड भी नहीं आता तो आपको मन नहीं लगता। इसी तरीके से जो खरगोश था वो नहीं था, चारों मित्र भी उदास रहने लगे, उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें अब छेड़खानी करने वाला उनके साथ कोई भी नहीं था। ओके स्टूडेंट। कुत्ते के भय से खरगोश का निकलना बहुत बिल्कुल बंद हो गया। अब कुत्ते के डर से जो खरगोश था वो बिल्कुल बंद हो गया उसका निकलना, वो बिल से बाहर ही नहीं निकलता डर के मारे। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर बिल में दुबक जाता। दुबक जाता मतलब छुप जाता, ठीक है। जरा सी आहट मतलब जरा सी उसको ये भनक लगती कि कुत्ता यहाँ कहीं आसपास है, तो वो क्या करता, वापस से वहीं छिप जाता। ओके स्टूडेंट्स। एक दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। एक दिन उसने देखा कि कुत्ता वहां नहीं था, तो वो एकदम से मौका पाकर बाहर निकला और सरपट दौड़ा। सरपट दौड़ा मतलब एकदम से तेज दौड़ा। तो कुत्ता कहीं घूमने गया हुआ था। वहां जंगल में अपने चारों मित्रों को चरते देखकर उसकी बाछें खिल गई, मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है। उसने गाय को बोला कि दीदी दीदी मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, उसने मेरे जीवन दुर्भर कर दिया है, मतलब बहुत मुश्किल कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है, वह हमेशा मेरी वेट में ही रहता है, इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंख बचाकर आया हूँ, आंख बचाकर आया मतलब उससे आज मैं बहुत बचकर आया हूँ, उसे छिपकर आया हूँ। तुम अपने पैने सींग से उसका पेट फाड़ दो ना। वो कहता है कि गाय दीदी गाय को कहता है कि तुम अपने पैने सींग से मतलब नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्ने, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली कि हाँ वो तो ठीक है, ऐसा तो मैं कर दूंगी, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कुत्ता जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा फुर्तीला है। यदि
मेरा वार चूक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। अगर वो कहती है कि अगर मैं उसे मारने में असमर्थ रही तो वह मुझे नोच कर खा जाएगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वह कुत्ते को डांट दे। वो कहता है कि मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वो कुत्ते को डांट दे, तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते। इतना कहकर गाय चरने लगी। उसने कहा कि तुम घोड़े के पास जाओ, और इतना कहकर वो अपना घास जो था वो चरने लगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इस लेसन को रीड कीजिए अच्छी तरीके से, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उन्हें राइट करके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।